झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों भक्त अपने आराध्य महादेव के दर्शन के लिए परिवार सहित उमड़ पड़ते हैं। इस दौरान यहां विशाल मेला भी लगता है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्यौहार पर प्रवेश सैलानियों व भक्तों के लिए निःशुल्क रहेगा। दुर्ग के शंकरगढ़ में मान्यता है कि शिव मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में झांसी के पहले मराठा सूबेदार नारद शंकर ने कराया था। गर्भगृह में शिवलिंग माँ पार्वती, गणेश जी आदि देवता विराजमान हैं। शिव बरात मलिया महादेव से उठाई गई है, जो मलिया घास मंडी से उठ करके मुरली मनोहर मंदिर से मलिया महादेव जाएगी। हजारों की संख्या में भक्त, हजारों की संख्या में महिलाएं इस बरात में है। 2007 से इस बरात को निकालना शुरू किया था और यह बरात अनवरत रूप से बढ़ रही है। मलिया महादेव मंदिर को विदर्भियों का कब्जा था, उससे मुक्त कराया गया है। मैं अंचल अजरिया, शिव बरात संयोजक, केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्र भक्त संगठन, विधायक जी सदन, विधायक रवि शर्मा के नेतृत्व में यह बरात निकलती है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, पूरे देश में ऐतिहासिक विरासत का पुनरुत्थान हो रहा है। और जहाँ तक झांसी का सवाल है, ये महाकालेश्वर तक की बारात, शिव बारात वर्षों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अंतर्गत आज हम सब लोग इस शिव बारात में शामिल हैं और मैं सब लोगों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।